प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी दर्शक गणों को और सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की शाम शनिवार की सत्संग में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। परमेश्वर ने आपको दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लेके चला। आइए हम मिलकर इस सत्संग को आरंभ करें। आरंभिक प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं, धन्य कहते हैं तुझे, क्योंकि तू सचमुच में आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, स्तुति के सिंहासनों पर विराजमान है। और प्रभु, जब हम तेरी आराधना करते हैं तो हमारे मध्य में उपस्थित होता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वायदा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु, आज शाम हम तेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमारे अपने सब लोग हम अपने अपने घरों में हैं, दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन हम मिलकर तेरी आराधना करना चाहते हैं और तेरे वचन में से कुछ सुनना और समझना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। और उसके बाद हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, ताकि वो प्रभु जी अपने अपने मन में शांति पाएँ, खुशी पाएँ, आनंद पाएँ, और कोई भी अंधकार की शक्ति उन पर प्रबल न होने पाए। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा मेरे और आपके लिए कि हम मिलकर प्रभु की कुछ देर आराधना करेंगे। और जब हम आराधना करते हैं तो ब्रदर एनोश, पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ होगी और वो मिलकर हमें प्रभु की आराधना में ले जाएंगे। हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, गीतों को गा के उसकी जयकार को करेंगे। जय होवे यीशु तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी ते गाइए, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय हो, 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 जय जय यीशु, जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय, जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय हो, जय जय पिता, जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय आत्मा, जय जय आत्मा, जय जय हो, 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 जय जय आत्मा, जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी, अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु, जय जय यीशु, जय जय हो, 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 जय जय यीशु, जय जय
जय जय यीशु, भक्ति करें प्रभु की। जय जय यीशु, जय जय हो, जय जय यीशु, जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी, ओ अमृत, अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। तेरी जय जयकार करते हैं यीशु, तेरी महिमा करते हैं अब्बा पिता, तेरी स्तुति करते हैं खुदा, तू महान है। ओ जय जय यीशु नाम, तू ही है सबसे ऊंचा नाम, तुझे ऊंचा उठाते यीशु नाम। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाथों को उठा के आराधना करें प्रभु की। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में मिलती है दया, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये रमाशांता नमस्ते केरे लावा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, ओ मीठा नाम यीशु नाम, सच्चा नाम यीशु नाम की जय। ऊंचा नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम, मीठा नाम यीशु नाम की जय। जय यीशु, जय
यीशु जय यीशु जय 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 यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु मेरे मन में तू ही मैं तू ही तू मेरे होठों पे तू ही तू मेरे में तू मेरी नजर में तू ही तू मेरे के गाएंगे जय यीशु हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय 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 मेरी नजर में मेरे होठों पे मेरी बातों पे मेरे दिल में केवल तू तेरा शुक्रिया करते हैं अब्बा तू सबसे ऊंचा और तू मेरे जीवन से ऊंचा होता चला जा प्रभु मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जा प्रभु आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे प्रेज द लॉर्ड आप सब ने मिलकर अभी बहुत अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और अब ये समय है मेरे और आपके लिए कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें अजीजों आज शाम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से गॉस्पल ऑफ मार्क यानी मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 21 पद से लेकर के 28 पद तक हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को पढ़ेंगे पढ़िए तब वे कफरनूम में आए और वह तुरंत शब्द के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था उसी समय उनके आराधनालयों में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी उसने चिल्लाकर कहा हे यीशु नासरी हमें तुझसे क्या काम क्या तू हमें नष्ट करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है परमेश्वर का पवित्र जन यीशु ने उसे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्ला कर उसमें से निकल गई इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे यह क्या बात है यह तो कोई नया उपदेश है वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मेरे अजीजों प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था और कफरनहू में यीशु मसीह का आना जाना लगा रहता था और 21वें पद में हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और वे कफरनहू
में आए। कफरनहूम जो है वो उस जगह का एक शहर का नाम है जहां अक्सर यीशु मसीह आया जाया करते थे। अक्सर यीशु मसीह कफरनहूम में ठहरते थे, लोगों के घरों में ठहरते थे, और साथ साथ जब वो वहां कफरनहूम में होते थे तो उनके आराधनालयों में यानी यहूदियों के आराधनालयों में जो उन दिनों में सबत के दिन आराधना होती थी, सबत का दिन का मतलब होता है शनिवार के दिन आराधना का दिन होता है, और वो उस दिन आराधना के लिए में गया। और जब वो आराधनालय में गया तो वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ जाकर यीशु मसीह ने उपदेश दिया, यानी कुछ बातें परमेश्वर के प्रेम के बारे में और उसकी शिक्षा और कैसे मसीही परमेश्वरीय जीवन जीना चाहिए, शायद उन बातों की चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने की। और यहाँ हम देखते हैं जब भी यीशु मसीह, अगर आप पूरे गॉस्पल को पढ़ेंगे तो जब भी यीशु मसीह आराधनालय में जाता था लोग बड़ा आदर से यीशु मसीह को देखते थे और बड़े आदर के साथ यीशु मसीह को प्रचार करने का या और बहुत सारी बातों को समझाने का वो समय उसको दिया जाता था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो उसे उपदेश के लिए बोला गया और वो उपदेश दे रहा था, और जब वो उपदेश दे रहा था तो उसके उपदेश में और जो शास्त्री और फरीसियों का उपदेश होता था उन दोनों में बहुत अंतर लोगों को दिखाई दिया। मेरे अजीजों, ये जो शास्त्री थे इनके पास परमेश्वरीय जो धर्मशास्त्र होता है उसका ज्ञान था, और ये लोगों को ज्ञान बांटते थे, यानी उसमें से पढ़ते थे और उसमें से कुछ बातें समझा कर लोगों को सिखाया करते थे। तो एक होता है शास्त्रियों की नाई उपदेश, और जो यीशु मसीह का उपदेश है वो शास्त्रियों की नाई नहीं है, ऐसा उस समय के लोगों का अनुभव है। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, एक आत्मिक व्यक्ति का प्रचार और एक नॉलेज से प्रचार करना, ज्ञान से प्रचार करना, उन दोनों में बहुत अंतर होता है। ज्ञान केवल ज्ञान तक सीमित रहता है, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जब आत्मा से भरकर प्रचार करता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रचार करता है, एंड ही वॉज अपॉइंटेड बाई गॉड, तब उसके संदेश में ना केवल गूढ़ बातें होती हैं परंतु उसके संदेश में अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी दिखाई देती है, अधिकार और सामर्थ्य दिखाई देती है। मैंने पिछले दिनों में भी बताया था कि दुनिया में बहुत सारी सत्संग होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी सत्संग में अच्छी बातें सिखाई जाती है। कोई सी भी सत्संग में चले जाएं, किसी भी बाबा की सत्संग हो, किसी की भी सत्संग हो, वहाँ लोगों को यही उपदेश दिया जाता है कि अच्छा जीवन जियो, अच्छे रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो। वो जो मॉरल साइंस में हमने सीखा उससे भी कुछ थोड़ी गहरी बातें वहाँ पर बताई जाती हैं, बहुत अच्छा सिखाया जाता है। मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, परंतु जितना उन्होंने पाया है उतना वो जरूर लोगों को बांट रहे हैं। परंतु मेरे बात यह है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में है। क्या उस लच्छेदार भाषण से लोगों के जीवन परिवर्तित हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो रही है लोगों। मेरी बात सुनिए, लोग अपनी गंदी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। जब हम बोलते हैं किसी भी सत्संग में जाते हैं तो शराब के खिलाफ बोला जाता है, जुए के खिलाफ बोला जाता है, सट्टे के खिलाफ बोला जाता है, या गलत कामों को रोकने के लिए बोला जाता है। इंसान चाहता भी है कि मैं ऐसा बनूं जैसा ये बोल रहे हैं, परंतु बन नहीं पाता। उसका कारण यह है कि उस गंदी आदत से छूटने के लिए उसे ताकत चाहिए।
उसे शक्ति चाहिए, विल पावर मजबूत होना चाहिए, और वो शक्ति केवल और केवल और केवल परमेश्वर देता है, वो जिंदगी को बदल देता है। शराबी की जिंदगी में जब परमेश्वर का वचन जाता है, जीवित परमेश्वर का वचन जाता है, तो सामर्थ के साथ आता है और वो उस गंदी आदत को छोड़ने की ताकत प्रभु से प्राप्त करता है। देखिए, प्रार्थना एक वो हथियार है, एक वो वेपन है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की हर परिस्थिति पर विजय पाने की शक्ति प्राप्त करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यीशु मसीह के लिए क्रूस की मृत्यु सहना आसान नहीं था, दुख उठाना आसान नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे मालूम पड़ा कि अब वो वक्त आ गया है कि मुझे क्रूस उठाना है, तो क्रूस उठाने से पहले, पकड़ाए जाने से पहले, उसने अपने वो अपने शिष्यों के साथ गेतसमनी के बाग में गया और उस बगीचे में जाकर रात के समय में शायद घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा है। लुका के 22 अध्याय और उसके 40 पद से मैं पढ़ रहा हूं, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने अपने चेलों के साथ उस बाग में प्रार्थना करना शुरू किया। और पढ़ेंगे जरा 40 से, उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। यानी दुख का जो कटोरा है, वो क्रूस की मृत्यु का जो कटोरा है, वो जो दुखों से भरा हुआ कटोरा है, उसको मेरे जीवन से हटा दे, तो भी मेरी नहीं परंतु मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। देखिए, यहां पर परमेश्वर का वचन बहुत, जो मैं बात बता रहा हूं, क्रूस उठाने की सामर्थ प्रार्थना में जब परमेश्वर से उसने मांगी, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप मेरे साथ हैं? प्रार्थना में जब उसने परमेश्वर से सामर्थ मांगी, प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा कि ये प्याला मैं नहीं पीना चाहता हूं, मैं इस क्रूस की दुख को उठाना नहीं चाहता हूं, परंतु फिर भी मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की मर्जी तो यही थी, यशया ने पहले ही कह दिया था कि परमेश्वर को यह भाया है कि वो कुचला जाए, परमेश्वर को यह भाया है कि वो क्रूस की मृत्यु को सहे, उसके कोड़े लगाए जाए। ये सब कुछ पहले से ही यशया ने भविष्यवाणी कर दी गई थी। तब परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया और जो उसे सामर्थ देता था, जो उसे क्या दे रहा था? सामर्थ दे रहा था। तो मैं आपको बता रहा था, प्रार्थना हमको सामर्थ देती है, काहे के लिए? किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए हमें सामर्थ कहीं और से नहीं मिलती, पर प्रार्थना से मिलती है। और यहां हम देख रहे हैं, वापस मैं मरकुस के पहले अध्याय में आना चाहता हूं, जहां हम देख रहे हैं कि वचन कहता है कि वो उसके उपदेश से चकित हुए और वो शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। अथॉरिटी के साथ बोलना, प्रचार में एक अधिकार दिखाई देता है, प्रचार में एक दिखाई देता है कि हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं। और 23 पद में लिखा है, पढ़ेंगे ब्रदर मरकुस 1:23, उसी समय उनके आराधनालय में, देखिए जब एक सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति सामने होता है, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जब सामने होता है, तो क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का राज्य लच्छेदार भाषण में नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थ के साथ उतरता है, लेकिन बोलने वाला
पर डिपेंड करता है कि बोलने वाला परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं, अभिषेक पाया हुआ है कि नहीं, या केवल ज्ञान पाया हुआ है। ज्ञान तो बहुत है लोगों को, लेकिन क्या वो ज्ञान काम आ रहा है? मेरे अजीजों, तिमई का पुत्र बर्तुलमई, ज्ञान बहुत है उसको, अंधा भिखारी है, लेकिन ज्ञान है। यीशु मसीह की 28 पीढ़ी के बारे में जानकारी है, लेकिन अंधा है। क्यों अंधा है? क्योंकि आज तक ज्ञान जरूर मिला उसे, पर यीशु मसीह के साथ उसका पर्सनल एनकाउंटर नहीं हुआ है। लेकिन बाइबल बताती है कि आज जब यीशु मसीह वहां से होकर गुजर रहा है, मैं 10 अध्याय के मरकुस 10 अध्याय के 46 पद में बोल रहा हूं, जब यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है और किसी से उसने पूछा, ये इतनी आवाज, इतनी भीड़ भाड़ क्या है, ऐसी कोलाहल क्या हो रहा है, तो किसी ने कह दिया, इधर से यीशु जा रहा है जिसके बारे में ज्ञान था। देखिए, ज्ञान इसके अंधेपन को दूर नहीं कर रहा है, ज्ञान इसके भिखारीपन को दूर नहीं कर रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका एक पर्सनल एनकाउंटर हुआ है, यीशु मसीह ने उसने जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर, दया कर। ये दाऊद की संतान क्यों बोला? बोलना चाहिए ना, यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान, इसका मतलब उसकी पीढ़ियों का ज्ञान। ज्ञान होने से हमारी परिस्थिति नहीं सुधरती है। आज मैं बहुत सारे ज्ञानियों को जानता हूं, ज्ञान बहुत है, बाइबल भी पूरी रटी हुई है। हो सकता है आप जिस धर्म में हैं उसका धर्म शास्त्र का पूरा ज्ञान आपको है, लेकिन क्या आपकी परिस्थितियां आपका ज्ञान बदल सकता है? जब तक कि परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के साथ एक एनकाउंटर ना हो। यहां हम एक मरकुस के पहले अध्याय में एक व्यक्ति को देख रहे हैं जिसमें, जो सभा के घर में एक मनुष्य था। इसका मतलब मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ये व्यक्ति कई सालों से आ रहा है और शास्त्रियों का प्रचार सुन के जा रहा है। एक औरत के लिए लूका के अंदर 10वें अध्याय में लिखा हुआ है कि एक औरत 18 साल से कुबड़ी थी और बराबर आराधनालय में आती थी और आराधनालय से वापस चली जाती थी। जैसी आती थी वैसी चली जाती थी, परिस्थिति कोई नहीं बदलती थी। क्यों हमारी परिस्थिति नहीं बदली? क्यों ये व्यक्ति जो सभाघर में आता है, इसमें दुष्टात्मा है? अगर मैं एक शब्द में आपको उत्तर दूं, एक लाइन में उत्तर दूं, ये इसलिए हुआ कि आराधनालय में यीशु नहीं था, लेकिन जब यीशु आया और यीशु मसीह ने उपदेश दिया, अथॉरिटी के साथ प्रचार किया, एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति जब सभाघर में आ गया, तो वो व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी अपने आप को छुपा नहीं पाया, उस अभिषेक के सामने खड़ा नहीं रह पाया। आज भी जब आप कलीसिया में आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के दास के पास सामने आप खड़े नहीं रह पाते और गिर जाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वहां एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। यीशु ने तो कुछ नहीं बोला, यीशु ने तो सिर्फ अपना काम किया, उपदेश दिया, लेकिन आगे होकर यह चिल्लाने लगा। पढ़ेंगे ब्रदर जरा इस आयत को। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमारे जीवन, हमारे चर्च में, हमारे आराधनालय में, हमारे सभागार में तेरा क्या काम? क्या ऐसा ही लिखा है क्या? हमें तुझसे क्या काम? क्यों आ गया है तू यहां?
हम तो बढ़िया चल रहे हैं, कई सालों से भवन में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, है? आज तू क्यों आ गया है? एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जब यीशु आ जाता है तो अंधकार की शक्तियां हिलने लगती हैं। जब यीशु आ जाता है सामर्थ के काम प्रकट होने लगते हैं, और ना केवल यीशु परंतु एक सच्चा यीशु का चेला जहां खड़ा होता है, एक भविष्यद्वक्ता जहां खड़ा होता है, वहां सामर्थ के काम आज भी प्रकट होते हैं। एंड नोबडी कैन स्टॉप, कोई इन रोक नहीं सकता। वो चिल्लाकर कहने लगे, क्या तू हमें नष्ट करने आया है? वाह यीशु, तू क्यों हमारे आराधनालय में आ गया, क्यों हमारे सभाघर में आ गया? हम तो देख कई सालों से आ रहे जा रहे, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज हम तेरे सामने खड़े नहीं रह पा रहे। ये चिल्लाकर कहने लगा, तू क्यों आया है हमारे आराधनालय में, हमें तेरी जरूरत नहीं है। पर यीशु ने उस तुरंत क्या कहा पढ़ो, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे, चुप रहे और उसमें से निकल जा। कीप क्वाइट एंड कम आउट, चुपचाप इसमें से निकल जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा बोला यीशु मसीह ने? बिकॉज यीशु को पता है मेरे पास परमेश्वर के वचन के साथ अधिकार और सामर्थ्य भी है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहता हूं आज भी परमेश्वर के अभिषिक्त दास जब दुष्ट आत्मा को डांटते हैं, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम सुनते ही निकल जाती है। हालेलुया। हमें भी डांटने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार यीशु मसीह देके गए हैं। यहां लिखा है, क्या तू हमें नाश करने आया? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। देखिए, ये व्यक्ति यीशु को नहीं जाना, पर व्यक्ति के अंदर जो अशुद्ध आत्मा है वो यीशु को जाने है। इसका मतलब क्या है मालूम है? इस जगत का अंदर जो दुष्ट आत्माओं का जगत है वो सब यीशु को जानती है। ना केवल यीशु को जानती है परंतु यीशु की सामर्थ को भी जानती है, और वो जानती है कि अब यीशु आ गया है। देखिए, ये एक जगह लिखा है, तू हमें क्यों सताने आ गया, तो हमें क्यों निकालने आ गया। अगर आप उस देखेंगे ग्रासनियों के देश में, मरकुस के पांचवें अध्याय में, कि ग्रासनियों के देश में जब यीशु मसीह गया ग्रासनी नगर में, तो वहाँ एक व्यक्ति है जो कब्रों में रहता है और साखलों से बांधा जाता है, साखलों को तोड़ देता है और नंगा रहता है। जब यीशु मसीह वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर भी उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति ने ऊँचे शब्द से चिल्ला कर कहा, सातवें पद में 5:7 में लिखा है, और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे ऐसा लगता है हमसे ज्यादा दुष्ट आत्मा यीशु को और यीशु के बारे में जानती है। अगर आप याकूब की पत्री 2 और उसके 19 पद को भी पढ़ें, 19 से पढ़े, याकूब 2:19-20 पढ़े। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, आप भी बोलते हो एक ही परमेश्वर है, अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बात तुम्हारे समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। आगे, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं। यीशु मसीह ने बोला, भाई दुष्ट आत्माओं के जगत में दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है। क्या विश्वास करती है? और थरथराते हैं। और साथ में क्या करती है? थरथराती है। और पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? चलिए वो आगे पढ़ लेना आप जाकर, लेकिन बस यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, दुष्ट आत्मा भी यीशु पर विश्वास करती है। क्या विश्वास करती है? ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परम प्रधान का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। प्रेज द लॉर्ड।
परमेश्वर का पवित्र जन यहाँ मरकुस में उसे एक बात कह के गया, संबोधित किया है, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। और यीशु ने 25 पद को पढ़ेंगे ब्रदर, यीशु ने उसे डांट कर कहा, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा, और तब अशुद्ध आत्मा उसे मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। आज से पहले डिलीवरेंस क्यों नहीं हुआ? क्या ये व्यक्ति उसी दिन पहली बार आराधनालय में आया था? क्या ऐसा अनुभव उस सभागार में आने वाले लोगों को पहले भी कभी हुआ है? मैं ऐसा विश्वास करता हूं नहीं। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। इन्होंने पहली बार ऐसा कार्य देखा। हमारे यहां जब शनिवार की दुष्ट आत्माओं को निकालने की सभा होती है, चंगाई और छुटकारे की सभा होती है, लोग केवल देखने आते हैं कि पास्टर जी दुष्ट आत्मा को कैसे निकालते हैं, पास्टर दुष्ट आत्मा को कैसे डांटते हैं, कैसे पहचानते हैं, और किस प्रकार से दुष्ट आत्माएं सभा घर में बैठे हुए अपने आप चिल्लाने लगती हैं, अपने आप प्रकट हो जाती हैं, मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की परमेश्वरीय सामर्थ, पवित्र सामर्थ उस जगह पर उतरती है। आज से पहले इस सभा घर में यह अनुभव नहीं था। क्यों? मैं आपको प्रूफ करूंगा अभी आपको इस बात को। 26 पद पढ़े, तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। अब देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए क्या किया। आश्चर्यकरब होता है जब कोई चीज पहली बार देखी जाती है। Am I right or wrong? अगर इससे पहले भी ऐसा अनुभव होता तो शायद ये बात यहां नहीं लिखी जाती। इससे पहले सभागार में कभी दुष्ट आत्माओं को डांट कर निकालने का अनुभव नहीं। This is the first time when Jesus entered in the church. पहली बार लोगों ने भाषण के साथ सामर्थ को भी देखा, उपदेश के साथ अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम यीशु है। तिमई के पुत्र बर्तुलमई का 28 पीढ़ी का ज्ञान, 42 पीढ़ी का ज्ञान धरा रह गया और वो भीख मांगने की परिस्थिति में है, अंधा है, लेकिन एक दिन यीशु वहां से बाईपास हो रहा है और यीशु मसीह के पास, यीशु से उसने जोर से चिल्ला कर कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग उसे बोलने लगे छुप, पर वो और जोर से चिल्लाने लगा, आज मौका मिला है छोड़ूंगा नहीं, आज एनकाउंटर का समय आया है छोड़ूंगा नहीं। और वो जब जोर से चिल्लाने लगा तो लोग की तो छोड़ो, यीशु रुक गया। यीशु ने उससे रुक कर कहा, उसे मेरे पास लाओ। और लोगों ने जाकर उससे कहा, उठ, वो तुझे बुलाता है। फॉर व्हाट? क्यों बुलाता है? ज्ञान से बढ़कर आज उसके जीवन में कुछ करना चाहता है। उसका ज्ञान उसकी परिस्थितियों को नहीं बदल पाया। ज्ञान तो है लेकिन अंधे भिखारी की नाई बैठकर भीख मांगना उसकी परिस्थिति है। बट टुडे
यीशु के पास जब उसे लाया गया, यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं करूं, तेरे लिए करूं? हे प्रभु, बस मेरी आंखें खोल दे ताकि मेरी परिस्थितियां बदल जाए। और यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास के मुताबिक, यीशु ने उससे कहा, चला जा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। मेरे अजीजों, यहां एनकाउंटर ने उसको और क्या लिखा है आगे, वह तुरंत देखने लगा और वो तुरंत परिस्थिति बदल गई। बाइबल बताती है वो कपड़ा फेंक कर आया था, ये उसका विश्वास था। क्या विश्वास था? कि दोबारा मुझे इस कपड़े पर बैठना नहीं पड़ेगा, अब आगे को मैं भिखारी का जीवन नहीं जीऊंगा। आई एम नॉट बेगर, आई एम गोइंग टू बिकम अ सन ऑफ गॉड, अब मैं परमेश्वर का बेटा बनने जा रहा हूं। क्या आज शाम आप भी अपने जीवन में उन चीजों को फेंकने के लिए तैयार हैं जिसे प्रभु पसंद नहीं करता? प्रभु आपके जीवन में भिखारीपन को नहीं लाना चाहता है, गरीबी और बेरोजगारी नहीं लाना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में उन्नति लाना चाहता है, प्रोस्पेरिटी लाना चाहता है, समृद्धि लाना चाहता है। और मरकुस के वापस पहले अध्याय में वापस लाना चाहता हूं, और सब इस पर सब लोग आश्चर्य करने लगे। क्या लिखा है? इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे। ये क्या बात है? आज से पहले कभी इस व्यक्ति में कोई इस प्रकार का प्रकटीकरण नहीं हुआ, मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। अरे हर संडे, हर शनिवार के दिन, सबत के दिन ये तो बराबर आता है, और शास्त्री और फरीसी तो बराबर प्रचार करते हैं, सब कुछ अच्छा ही तो चल रहा था, लेकिन आज क्या हो गया है? आज यीशु आ गया है। हालेलुया। एक अभिषिक्त परमेश्वर का जन आ गया है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, सामर्थ्य में। क्या आप मेरे साथ हैं? और ये तो कोई नया उपदेश है। ये तो क्या दिखता है भाई, ये तो कोई नई चीज है, नया। प्रेज द लॉर्ड, समथिंग न्यू। जब यीशु आता है तो नया करता है। यीशु पुराना हटा देता है, नया बना देता है, हमारी परिस्थितियों को नया कर देता है, पुरानी बदल देता है। और लिखा है तो कोई नया उपदेश है, और वह अधिकार के साथ, वो अधिकार के साथ, अब ध्यान से सुनिए, अधिकार के साथ, और अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। अरे आज से पहले सभाघर में ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ है। आपके परिवार में हो सकता है आज से पहले ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ हो सकता है। आज तक तिमई के पुत्र बर्तुलमई के पास बहुत सारे शास्त्री और फरीसी आए और उन्होंने इसको पाठ पढ़ाया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, लेकिन चमत्कार, सामर्थ के काम एनकाउंटर से जाते हैं। आज शाम मेरा एक संदेश आपको यह है, क्या आपका यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर हुआ है? क्या आपकी यीशु मसीह से सभाघर में पर्सनल मुलाकात हुई है? हो सकता है आप हमारे आराधनालय में भी कई सालों से आए होंगे, आए और वैसे ही चले गए। आपको जरूरत है कि स्पर्श की, आपको जरूरत है एक पर्सनल एनकाउंटर की। आज शाम प्रभु आपको छूना चाहता है, एक पर्सनल एनकाउंटर आपकी दुष्टात्माओं को बाहर कर देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। पर्सनल एनकाउंटर, व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह को जानना। पर्सनल एनकाउंटर का मतलब होता है व्यक्तिगत यीशु से मुलाकात। आज से पहले सभाघर में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वह अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है
और वे आज्ञा मानती हैं, हमने कभी नहीं देखा। व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, कितना अद्भुत अनुभव। आप जब प्रभु के भवन में आते हैं, परमेश्वर छूता है, परमेश्वर का वचन बात करता है, परमेश्वर का वचन तोड़ देता है, परिस्थितियों को बदल देता है। ये सब काम कौन करता है और आपके जीवन में ये काम कैसे होंगे? पर्सनल मुलाकात, व्यक्तिगत मुलाकात। यीशु हमारे बीच में, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूँ, यीशु हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में भी हमारे साथ है। छू लो उसे, पकड़ लो उसे, जाने मत दो उसे। बोला आज तो तुझे मेरी परिस्थिति बदल के ही जाना होगा। आज मैं मेरे ज्ञान को अलग करता हूँ। कपड़ा फेंकने का अर्थ है ज्ञान को अलग कर देना। मेरे अजीजों, ज्ञान तो शास्त्री और फरीसी और सदुकियों को बहुत था, परंतु जीवन की बातें उनके पास नहीं थी। आश्चर्य कर्मों के साथ, सामर्थ के साथ वो कभी इस सेवा को नहीं करते थे, परंतु जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने खुद इस परमेश्वरीय सामर्थ का इस्तेमाल किया, और उसके बाद ना केवल खुद किया लेकिन शिष्यों को भी सिखाया। एंड आफ्टर 3 ईयर्स हम देखते हैं कि शिष्य भी भरपूरी से चमत्कार करने लगे, और ना केवल शिष्यों के साथ ये कहानी ख़त्म हो गई है, आज की तारीख में भी यीशु मसीह जहाँ होता है वहाँ चमत्कार होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हैं? और बाइबल बताती है 28 पद में लिखा हुआ है, सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में फैल गया। आज भी दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं, बीमार चंगे होते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये क्या बात है कि दुष्ट आत्माएं इसका कहना मानती है। एक और जगह मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह उस आंधी और तूफान में फंसे हुए थे, पढ़ेंगे लुका का 8 अध्याय और उसके 25 और 26 पद को, 24-25-26 पढ़, 24-25 पढ़ दीजिए बस। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया, चैन हो गया। और तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे। यीशु मसीह ने ये जो काम किया ना, लहरों को डांट दिया, पानी को थमा दिया, आंधी को थमा दिया, ऐसा एक्सपीरियंस चेलों को पहले नहीं था। ये कौन है, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है? ये कौन है भाई? हमने तो इसको 5000 लोगों को रोटी खिलाते देखा है, 4000 लोगों को रोटी खिलाते देखा है, पर आंधी और पानी भी इसका कहना मानते हैं, ये आज हम पहली बार देख रहे हैं। यहां दुष्टात्मा निकलती है उसके नाम से, सभागर में लोग पहली बार देख रहे हैं, चेले इस अनुभव को आज पहली बार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज शाम आपको भी प्रभु एक ऐसे अनुभव में से निकाल के ले जाना चाहता है। मैं आपको अंत में एक बात बताना चाहता हूं, सृष्टि कायनात को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह और सारी सृष्टि आज भी उसका कहना मानती है। सूरज, चांद, तारे, पेड़, पौधे, जीव जंतु, जंगली जानवर, सब वन पशु। आपको पता है बाइबल में एक बहुत अच्छी बात मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी, जंगल में मरकुस का 1 अध्याय और उसके
13 पद को पढ़ें। जंगल में 40 दिन जंगल में यीशु मसीह 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। हाँ। और वह वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? वन पशुओं के साथ रहा। किसके साथ रहा? वन पशुओं के, जंगली जानवरों के बीच में। इसका मतलब क्या है मालूम है? जंगली जानवरों के बीच में कौन रहा? यीशु मसीह। इसका मतलब किसी भी जानवर ने यीशु मसीह को हानि नहीं पहुंचाई। क्यों? वो अपने क्रिएटर को जानते हैं। आग उसका कहना मानती है, पानी उसका कहना मानता है, लहरें उसका कहना मानती हैं, आंधी और तूफान उसका कहना मानते हैं, तारे उसका कहना मानते हैं, स्वर्गदूत उसका कहना मानते हैं, एक एक सृष्टि की हर एक कण कण जो है वो सब उसका कहना मानते हैं, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो उसका कहना नहीं मानता। प्रेज द लॉर्ड। और जिस दिन आप उसका कहना मानना शुरू करेंगे, जिस दिन आप उसकी आज्ञा मानना शुरू करेंगे, ये सृष्टि आपका आज्ञा मानना शुरू कर देगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और यीशु मसीह ने हमको भेजा। जब हम दुष्टात्मा को बोलते हैं निकलो यीशु के नाम में चलो, तो दुष्टात्मा बोलती है अच्छा जा रही हूं। बीमारी को बोलते हैं बीमारी यीशु के नाम में जाओ, जाना पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, पर जरूरत है इस बात की, सभाघर में यीशु होना चाहिए और यीशु के साथ एक व्यक्तिगत मुलाकात आपकी समस्त परिस्थितियों को बदल के रख देगी। आज केवल मेरा विषय यही है कि आपका यीशु मसीह के साथ आपका घर एक सभाघर में बदल जाए। आप यीशु से कहिए, यीशु ये घर मेरा नहीं है, आज से ये घर तेरा है, आज से ये घर तेरा है प्रभु, तू इसमें आ जा। बहुत सारे आराधनालयों में यीशु नहीं है, इसलिए वहां इस प्रकार के अनुभव नहीं है। कलीसियाएं तो बहुत हैं, भारत में बहुत कलीसियाएं, विश्व में बहुत कलीसियाएं हैं, लेकिन सामर्थ कहीं कहीं प्रकट हो रही है। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। जहाँ यीशु है वहाँ सामर्थ प्रकट होती है। आइए आज शाम के समय में आपकी परिस्थिति को बदल देने वाला यीशु आपके पास खड़ा हुआ है, उसको अपने घरों में, सभाघर में, प्रार्थना सभाओं में आने के लिए निमंत्रण दें, क्योंकि आपको पता है यीशु आ गया ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, जितने घरों में दुष्टात्माओं का वास है, अब भी इसी समय यीशु की सामर्थ जगह ले ले। चलो यीशु के नाम में छोड़ो यीशु के नाम में। अगर कोई बीमार है तो चंगा कर प्रभु, अशांत मन है तो शांति दे प्रभु जी, खुशियों का जीवन दे, शांति का जीवन दे, बदल दे परिस्थितियां प्रभु जी। प्यारे खुदा प्रभु जी, सड़क पर बैठकर भीख मांगता हुआ ये भिखारी ज्ञान से भरा हुआ है लेकिन सामर्थ नहीं है। शास्त्री और फरीसियों ने इसे बहुत ज्ञान दिया परंतु वो सामर्थ उनके द्वारा नहीं निकली। प्यारे परमेश्वर हमारी मदद कर। आज जिनके जन्मदिन है मैं यीशु के नाम में उनको आशीष कहता हूँ, जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी उनको भी यीशु के नाम में आशीष कहता हूँ, जो बीमार हैं उनको चंगा करते प्रभु जी। कल तेरा पाक पवित्र दिन है प्रभु, प्यारे खुदावन्द प्रभु जी, जल्द से ऐसा कर कि कलीसियाएं खुल जाए पूरी रीति से प्रभु जी, ओपन हो जाए,
जहाँ बच्चे बड़े बुजुर्ग सब आकर तेरी आराधना कर सकें। शनिवार की भीड़ भी प्रभु जी जो इंतज़ार कर रही है कि कब प्रभु का भवन खुलेगा और हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे और आराधना करेंगे, ऐसा होने दे खुदा। हम घटे तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफागत और शरागत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आप आशीष पा रहे हैं तो शेयर करें लोगों को, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, यदि आप प्रार्थना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर लिखे फ़ोन नंबर्स को इस्तेमाल करें। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं फ़ोन करें, इन प्रेयर टावर्स के नंबर्स पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेकर आप मुझसे मिल सकते हैं। और यदि आप जैसे भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है, यदि आपने अपने कमिटमेंट्स किए हैं तो प्लीज़ उन कमिटमेंट्स को याद करें, उनको पूरा करें ताकि भवन निर्माण के कार्य में प्रगति हो जाए, जल्द से वो पूरा हो जाए। और साथ में हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, आप उसका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। अगले शनिवार फिर सत्संग में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।